हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमेशन गाइड, इजी वे टू एनिमेशन। हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था ह्यूमन लाफिंग एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे 2D कैरेक्टर हंसता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है ह्यूमन फियरिंग एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक 2D कैरेक्टर कैसे डरता है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन फियरिंग एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले 2D कैरेक्टर ले लीजिए। मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर का दो व्यू लिया हूँ। मैं दोनों व्यू में एनिमेशन करके दिखाऊंगा, ताकि आप भी बहुत ही आसानी से 2D कैरेक्टर का फियरिंग एनिमेशन कर पाए। सबसे पहले त्रिभुज कैरेक्टर के अंदर आइए और टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। अब 5 नंबर में और 11 नंबर में टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए। अब 11 नंबर में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके अगर पॉइंट को नीचे लेके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए और थोड़ा सा ऊपर में मूव करिए। और अब हेड को थोड़ा सा रोटेट करिए और अब हैंड को सिलेक्ट कीजिए और इसको भी थोड़ा सा रोटेट करिए। अब हैंड के अपर पार्ट में आइए और इसके अंदर जाके 11 नंबर में की फ्रेम ले लीजिए। यहाँ पे आप इसका शेप चेंज करिए। और अब हैंड के लोअर पार्ट में आइए और यहाँ पर भी 11 नंबर में की फ्रेम ले लीजिए और इसका शेप भी आप चेंज करिए। यहाँ पे फियरिंग एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर का हैंड बॉडी के क्लोज आएगा, इसलिए ये पोजिंग करना जरूरी है। और अब क्लोथ का जो लोअर पार्ट है उसको बना लीजिए। इसका कलर आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। अब दूसरे हैंड के अपर पार्ट में आइए और इसके अंदर में भी की फ्रेम लेके इसका शेप चेंज करिए। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, हैंड के लोअर पार्ट को सिलेक्ट करिए और कट करके बॉडी के ऊपर में एक लेयर लेके वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस कीजिए तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जाइए और एक की फ्रेम लेके इसका शेप भी चेंज करिए। और अब हैंड के अपर पार्ट में आइए और यहाँ पर भी क्लोथ का जो लोअर पार्ट है उसको बना लीजिए। और आप पैंट एरिया और लेग के अपर पार्ट को सिलेक्ट करिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए। अब लेग के लोअर पार्ट को आप एडजस्ट कर लीजिए। और अब पाम को आप रोटेट करिए और यहाँ पर पाम को आप चेंज करिए। और अब दूसरे पाम को आप कट करिए और इस पाम के नीचे एक लेयर लीजिए और वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट भी प्रेस कीजिए। और अब इस पाम को आप चेंज कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए, दो पोज बन गया है। और आप फेस के अंदर आइए और 11 नंबर में आई के लेयर में F6 प्रेस करिए। और आप आई को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके इसका आईब्रो आप चेंज करिए। अब दूसरे आई में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करिए और लिप को भी आप चेंज करिए इस तरह से। तो देखिए, कैरेक्टर जब डर रहा है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। अब हैंड के लोअर पार्ट में आइए और यहाँ पर शेप ट्विन यूज करिए। यहाँ पे देखिए, शेप देने से कॉर्नर ब्रेक हो रहा है, इसके लिए आप हिंट्स यूज करिए। हिंट्स क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हिंट्स का यूज मैं एकदम डिटेल में दिखाया हूँ। और आप हर एक कीफ्रेम में जाइए और लाइन को डिलीट कर दीजिए। अब फिर से हैंड के अपर पार्ट में आइए और यहाँ पर भी शेप ट्विन यूज करिए। तो देखिए, यहाँ पे फिर से कॉर्नर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी आप हिंट्स यूज करिए। और आप क्लोथ के लोअर पार्ट को भी आप ठीक कर लीजिए। और अब दूसरे हैंड में आइए और यहाँ पर भी शेप ट्विन और हिंट्स यूज करिए। और हर एक फ्रेम में जाके लाइन को डिलीट कर दीजिए। और आप हैंड के अपर पार्ट में आइए और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई करिए। तो देखिए, हैंड बॉडी के क्लोज में आ गया है। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, 5 नंबर से
कैरेक्टर का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आई बल को आप 5 नंबर से ही चेंज करिए। इसके लिए 11 नंबर को आप मूव करके 5 नंबर में ले आइए और इसके अंदर जाके F7 प्रेस करके नॉर्मल आईब्रो को ले लीजिए और अब यहाँ पे शेप ट्विन यूज़ करिए तो नॉर्मल आईब्रो से फियरिंग आईब्रो आ जाएगा, देखिए। और अब दूसरे आई को इसी तरह से चेंज कर लीजिए। यहाँ पे 11 नंबर में एक कीफ्रेम लीजिए और आई बल को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि एक्सप्रेशन अच्छा लगे। 5 नंबर में आइए और टोटल हैंड को सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और आप हर एक फ्रेम में जाइए और जहाँ जहाँ जॉइंट ब्रेक हो गया है उस की फ्रेम में आइए और उस पार्ट के अंदर जाके उसका शेप आप चेंज करिए। आप अच्छे से समझ लीजिए, हैंड बॉडी के क्लोज में आते समय जिस फ्रेम में हैंड के अपर पार्ट और लोअर पार्ट का जॉइंट ब्रेक हो गया है वहाँ पे आप F6 प्रेस करिए और उस पार्ट के अंदर जाके उसका शेप आप चेंज करिए। ऐसा करने से एक स्मूथ एनिमेशन बन जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड बॉडी के क्लोज में आते समय बॉडी के लेयर के नीचे से आ रहा है। इसके लिए टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और इस लेयर को कॉपी करके बॉडी के ऊपर के लेयर में ले आइए और यहाँ पर भी आप एक एक फ्रेम में जाके जहाँ पे जॉइंट ब्रेक हो गया है उसको ठीक कर लीजिए। तो देखिए ये पार्ट बन गया है। अब 26 में और 41 में टोटल सिलेक्ट करके की फ्रेम ले लीजिए। अब 26 में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए और अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए और अब पैंट एरिया और लेग के अपर पार्ट में आइए और इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए और लेग के लोअर पार्ट को एडजस्ट कर लीजिए और अब हैंड के अपर पार्ट को सिलेक्ट करिए और इसका जॉइंट आप ठीक कर लीजिए। तो देखिए एक हल्का सा मूवमेंट आ गया है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 11 से 26 के बीच में टोटल सिलेक्ट करिए और कंट्रोल प्रेस करके 26 से 41 के बीच में टोटल सिलेक्ट करिए और आप राइट साइड में आइए, जो पेंसिल का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए तो एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इसको इस तरह से बना लीजिए। ऐसा करने से टोटल एनिमेशन में एक अप एंड डाउन आ जाएगा। तो देखिए टोटल एनिमेशन में एक अप एंड डाउन आ गया है। कोई भी करेक्टर डरते समय जो बॉडी शेक होता है उस तरह का बॉडी शेक मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। आप 11 नंबर से 41 तक टोटल सेट करिए और ऑल प्रेस करके ड्रैग करके 41 में ले आइए और फिर से 71 में ले आइए। तो देखिए फ्रंट से फोर्थ करेक्टर का फियरिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह मैं ये एनिमेशन किया हूँ और आप फ्रंट कैरेक्टर को भी फियरिंग एनिमेशन दीजिए। इस कैरेक्टर के अंदर आइए और टोटल सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। यहाँ पे 8 नंबर में और 13 नंबर में टोटल सेलेक्ट करके F6 प्रेस करिए। अब 13 नंबर में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए और हेड को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करिए और अब पैंट एरिया और लेग के अपर पार्ट को सिलेक्ट करिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए और लेग के लोअर पार्ट को आप एडजस्ट कर लीजिए। आप हैंड को सिलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट करिए और आप फेस के अंदर आइए और यहाँ पर भी पिछली बार की तरह आई को आप चेंज करिए, इसलिए 13 में की फ्रेम लीजिए और इसको डुप्लीकेट सिंबल कर दीजिए। अब इसके अंदर जाइए और आईब्रो को आप चेंज करिए और अब दूसरे आई को भी आप डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके आईब्रो को आप चेंज करिए और अब लिप को भी आप चेंज कर लीजिए। अब पिछली बार की तरह यहाँ पर भी फिर से आप आई बॉल को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि एक्सप्रेशन दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए नॉर्मल एक्सप्रेशन से फियरिंग एक्सप्रेशन बन गया है। अब बाहर में आइए और हैंड के अपर पार्ट के अंदर जाके 13 नंबर में एक कीफ्रेम ले लीजिए और यहाँ पर इसका शेप आप चेंज करिए। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, कैरेक्टर यहाँ पे फ्रंट व्यू में है इसलिए मैं दोनों हाथ को एक ही सिंबल में रखा हूँ। इसका फायदा यही है कि एक तरफ मैं चेंज करूँगा तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब एक ब्लैंक लेयर लीजिए और क्लोथ के लोअर पार्ट को आप बना लीजिए। आप देख सकते हैं एक तरफ बनाने से दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिक बन गया है और आप पाम को भी अपसेट कर लीजिए और अब हैंड के लोअर पार्ट के अंदर आइए और 13 नंबर में एक कीफ्रेम लेके इसका शेप आप चेंज करिए और अब दूसरे हैंड के पाम को आप बॉडी के ऊपर के लेयर में ले आइए और अब दूसरे हैंड के लोअर पार्ट को आप एडजस्ट कर लीजिए। अब फेस के अंदर आइए
और 8 नंबर में आई के लेयर में F6 प्रेस करिए और पिछली बार की तरह यहीं से आप फेयरिंग एक्सप्रेशन को स्टार्ट करिए। इसके लिए आई के अंदर जाइए और 8 नंबर में F7 प्रेस करके नॉर्मल आईब्रो को आप पेस्ट करिए। अब फिर से दूसरे आई के अंदर जाइए और यहाँ पर भी आईब्रो के लेयर में 8 नंबर की फ्रेम में F7 प्रेस करिए और नॉर्मल आईब्रो को आप पेस्ट करिए। और आप आईबॉल के लेयर में आइए और आईबॉल को थोड़ा सा बड़ा करिए। अब यहाँ पे आईबॉल के लेयर में आप क्लासिक ट्विन यूज़ करिए और आईब्रो के लेयर में आप शेप ट्विन यूज़ करिए। लिप के की फ्रेम को आप 9 नंबर में ले आइए। तो देखिए नॉर्मल एक्सप्रेशन से फेयरिंग एक्सप्रेशन बन गया है। आप यहाँ पे हैंड के अपर पार्ट के अंदर जाइए और यहाँ पर शेप ट्विन यूज़ करिए। और आप हैंड के लोअर पार्ट के अंदर जाइए और यहाँ पर भी शेप ट्विन यूज़ करिए। यहाँ पर देखिए कॉर्नर ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए हिंट्स यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड में शेप ट्विन यूज़ करने से सेम सिंबल रहने की वजह से दूसरे साइड में भी ऑटोमेटिक शेप ट्विन आ गया है। अब फिर से अब हर एक की फ्रेम में जाइए और जहाँ जहाँ जॉइंट ब्रेक हो गया है वहाँ पर F6 प्रेस करके की फ्रेम लेके उसके अंदर जाइए और उसका शेप आप चेंज करिए। आप समझ रहे होंगे जिस फ्रेम में भी जॉइंट ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर आप की फ्रेम लीजिए और उस पार्ट के अंदर जाके उसी फ्रेम में आप उसका शेप चेंज करिए। तो देखिए ये मूवमेंट कंप्लीट हो गया है। अब 28 नंबर में और 42 नंबर में टोटल सेट करके F6 प्रेस करिए। अब 28 में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए और हेड को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए। और अब हैंड के लोअर पार्ट को और पाम को सिलेक्ट करिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए। और अब पैंट एरिया और लेग के अपर पार्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए। अब हैंड के अपर पार्ट को बॉडी के क्लोज में ले आइए और यहाँ पे जो जॉइंट ब्रेक हो गया है इसको ठीक कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए एक अप एंड डाउन मूवमेंट आ गया है। अब फिर से 13 से 28 के बीच में टोटल सेट करिए और कंट्रोल प्रेस करके 28 से 42 के बीच में टोटल सेट करिए और राइट साइड में इस ऑप्शन में क्लिक करिए तो एक बॉक्स आ जाएगा। अब फिर से इस ग्राफ को आप चेंज करिए इस तरह से। ग्राफ कंप्लीट हो जाने के बाद आप ओके में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, अगर आपसे ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो रिसर्च बटन में क्लिक कीजिए तो पहले जैसा ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए बॉडी शेप आ गया है। अब इसको टोटल सिलेक्ट करिए और ऑल प्रेस करके 42 में ले आइए और फिर से ऑल प्रेस करके 73 में ले आइए। तो देखिए फ्रंट कैरेक्टर का भी फेयरिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ह्यूमन फेयरिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये था ह्यूमन फेयरिंग एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे एक 2D कैरेक्टर डरता है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।